भारतीय कुश्ती खेल संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय सोशलिस्ट मंच अराजनैतिक मुरादाबाद के तत्वाधान में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। इस दौरान भारतीय सोशलिस्ट मंच के कार्यकर्ताओं ने भारतीय कुश्ती खेल संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। भारतीय सोशलिस्ट मंच के द्वारा किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती खेल संघ के अध्यक्ष के आपराधिक कृत्य से आने वाले भविष्य में महिला खिलाड़ियों पर विपरीत असर पड़ेगा और कोई भी माँ बाप किस परिस्थिति में अपनी बेटी को खेल के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय सोशलिस्ट मुरादाबाद मांग करता है कि देश की आधी आबादी के हितों को देखते हुए भारतीय कुश्ती खेल संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ब्रजभूषण के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के ट्रायल के लिए विशेष अदालत का गठन किया जाए। जो हमारी जो महिलाएं बहन बैठी हुई है जंतर मंतर पर पहलवान महिलाएं, उनके साथ जो यौन शोषण हुआ है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, जिससे हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है और इससे हमारी महिलाओं का जो खेल का भविष्य है उस पर संकट पैदा हो रहा है। इस प्रकार के अनैतिक लोग जब खेल संघ में रहेंगे, कोई भी माँ बाप अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को नहीं भेजेगा। हमारा कहना है कि विश्वास की वापसी के लिए, विश्वास को कायम करने के लिए ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जो विश्वास टूटा है, आई भाई साहब, जो विश्वास टूटा हो, विश्वास कायम हो, तो इसी उपलक्ष्य हम ज्ञापन दे रहे हैं कि ब्रजभूषण को तत्काल रूप से गिरफ्तार किया जाए। किसे ज्ञापन देंगे आप? जिलाधिकारी को दे रहे हैं, महामहिम को दे रहे हैं, द्वारा जिलाधिकारी ज्ञापन जाए। ज्ञापन देने वालों में नजाकत हुसैन, जीत सिंह एडवोकेट, जयशंकर एडवोकेट, नरेश सैनी एडवोकेट, शाहिद हुसैन एडवोकेट, असलम पंचायती, डिंपल सागर, प्रताप सिंह एडवोकेट, नारंग त्यागी एडवोकेट आदि मौजूद रहे।